नमस्कार, धर्मज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत। शुक्रिया कविता। तो आज हम मौजूद हैं नीम करोरी बाबा के कैची धाम आश्रम में और यहां से आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी सेलिब्रिटी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्होंने 1991 में फिल्म सौगंध से बतौर अभिनेता बॉलीवुड में डेब्यू किया और दिन पर दिन वो बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ते गए और मिशन मंगल जैसी सुपरहिट फिल्म देकर उन्होंने एक बार फिर जता दिया कि उनका सिक्का बोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की। क्या कहती है अक्षय कुमार की कुंडली और उनकी अपकमिंग फिल्में कितनी हिट जाने वाली हैं, आइए इसी को जानते हैं। उनके कुंडली अनुसार क्या है उनके ग्रह नक्षत्र, मयंक जी से। सर, क्या लगता है आपको एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना अक्षय कुमार की कुंडली में कैसे कोई योग बन गया है जिसके चलते वो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देना उन्होंने शुरू कर दिया? देखिए, अक्षय कुमार की कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो वर्सेटाइल हम कलाकारों को कह सकते हैं। आप चाहे उनको किसी भी तरह का रोल दे दीजिए, किसी भी तरह की उनसे एक्टिंग करा लीजिए, उसको बखूबी एक्टिंग करते हैं और बखूबी अंजाम देते हैं। एक भावुक कलाकार है कुंडली जो उनकी दिखाती है, बहुत एक इमोशनल जो एक्टर होता है, गंभीरता से अपने काम को करना जानता है, एक्शन हीरो है। बताना चाहेंगे उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि जो उनको एक एक्शन अभिनेता बनाते हैं। देखिए, अक्षय कुमार की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है और तुला राशि है। लग्न में मंगल है जो उनको बहुत ही पावरफुल बनाता है। दशम भाव में सूर्य और शुक्र का योग है जो उनको कलात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उनकी टैलेंट को निखारता है और उनके अंदर एक्टिंग के लिए एक कहते हैं ना कि अनुशासन बनाता है। उनको गंभीर हैं वो अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। और नवम भाव में उनकी कुंडली में उच्च के बृहस्पति बैठे हैं जो उनको भाग्यशाली बनाते हैं। यानी कि मैं आपको एक बात छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अक्षय कुमार की कुंडली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, वो बड़े बड़े सुपरस्टार के बीच में भी टिके रहे हैं। अगर आप देखिए कविता, 90 के दशक में जिस समय शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, संजय दत्त और ये सब जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी बड़ी बड़ी फिल्में हिट हो रही थी, उसके बीच में अक्षय कुमार ने एक अभिनेता आता है बॉलीवुड में और अपना नाम कमाना शुरू करता है और उसकी फिल्में सुपर डुपर हिट जाती हैं। तो ये बड़ी बात है, ये अक्षय कुमार की मेहनत भी है और साथ साथ उनके कुंडली में ग्रहों का खेल भी है, ग्रह नक्षत्र का, जो कि उनको बड़ा पावरफुल बनाता है। उनके कुंडली में ऐसे चार तरह के राजयोग हैं जो उनको बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच में बरकरार रखेंगे और आने वाले समय में भी अक्षय कुमार बड़ी बड़ी हिट फिल्में देंगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि अक्षय कुमार एक्शन फिल्मों में आखिर क्यों ज़्यादा कामयाब होते हैं। देखिए, ज्योतिष में कहा जाता है कि मंगल साहस का कारक होता है और जो व्यक्ति जितना साहसी होगा वही एक्शन कर सकता है, एक्शन रोल कर सकता है। तो अक्षय कुमार की कुंडली में लग्न में ही मंगल है और देखिए 9 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो भी मंगल का कारक है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि अक्षय कुमार एक्शन फिल्में करना पसंद करते हैं। खुद उन्हें मार्शल आर्ट आती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने आप में एक कहते ना कि ये कंप्लीट एक्टर हैं, पूर्ण एक्टर हैं वो अक्षय कुमार। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्षय कुमार हर रोल में ढल जाते हैं, चाहे कोई रोमांटिक रोल हो, एक्शन रोल हो या कॉमेडी हो। मुझे याद है कि कहते हैं कि साल 2007 उनके लिए बहुत ही एक गोल्डन ईयर रहा था क्योंकि उस टाइम उन्होंने बैक टू बैक फिल्में दी थी। जब बात करें वेलकम की, नमस्ते लंदन की बात करें, जी मतलब एक ब्लॉकबस्टर्स मूवी दे रही थी। तो एक बार फिर से लिंक डालूंगा इसमें न्यूमरोलॉजी का कि 2007 का टोटल आप कर दिए, टोटल 9 आता है। तो 9 नंबर अक्षय कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली है, मंगल का दिन उनके लिए बहुत भाग्यशाली है। तो जब भी ये वर्ष का टोटल आएगा तो अक्षय कुमार एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और जितनी वो मेहनत करते हैं उतनी उनकी किस्मत भी साथ दे जाती है। उनको उनके साथ जितने भी उनके को स्टार होते हैं या फीमेल स्टार जो होती है, उनका बड़ा अच्छा सपोर्ट उनको मिलता है, अच्छी अच्छी फिल्में उनको मिली हैं। तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की फिल्म इंडस्ट्री में अगर उन्होंने नाम कमाया है उसके पीछे उनकी मेहनत साथ साथ कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी खेल है, जिसकी वजह से वो बहुत आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच में भी अपनी एक उनकी अलग पहचान है अक्षय कुमार की। तो हम ये समझे कि जो 9 अंक है वो उनके करियर को लेकर, उनके कहें कि किस्मत को लेकर एक खास अंक है या फिर कहें कि एक लकी अंक है, माने नंबर 9। बिल्कुल बिल्कुल, 9 नंबर उन्हें, देखिए 9 नंबर उनको बहुत ही इमोशनल बनाता है, उनको अपने काम के लिए मतलब कि सजग बनाता है कि वो एक्टिव रहे अपने काम में, प्रोफेशनल है अक्षय कुमार, लापरवाही बिल्कुल नहीं करते हैं। आपने कितनी बार भी देखा होगा उनको यही सुना कि हमेशा वो
फिटनेस के लिए भी ललायत रहते हैं, फिटनेस की बात करते हैं और टाइम पर ये शूटिंग पर आते हैं। तो मंगल का प्रभाव है, जो व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है, अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन मैनर पसंद करता है तो समझिए उसका मंगल बड़ा पावरफुल है। या तो मंगलवार के दिन हुआ है, या 27 तारीख को पैदा हुआ है, या 9 तारीख को पैदा हुआ है, यानी कि जिसका टोटल 9 आता है। तो ये और वृश्चिक लग्न भी है, लग्न में मंगल भी है, तो डिसिप्लिन पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ फिल्म करना चाहते हैं जो लोग इनके स्वभाव के होते हैं। हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं क्योंकि तुला राशि है, बैलेंस लाइफ में बनाकर चलते हैं और सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं अक्षय कुमार, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। कविता सर, अक्सर मैंने बॉलीवुड में खासकर ये देखा है जहाँ बात देश की आ जाती है 370 को लेकर, मतलब जब भी बात आती, चाहे बात करें हम सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो बॉलीवुड जो होता है वो बटा बटा सा होता है। बड़े बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो अपने आप को सेफ साइड लेके चलते हैं, ना वो ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर बोलते हैं, ना भारत को लेकर चलते हैं। लेकिन अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी भैया ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा से खुलकर बोला है, देशभक्ति तो हमेशा उनमें दिखी है और हमेशा आगे फ्रंट में आके उन्होंने साफ बोला है। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो कि वो हमेशा जवानों की मदद करते हुए नजर आते हैं और मोदी सरकार से भी उनकी ट्यूनिंग हमेशा एक अच्छी रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर में, जो कि कहते हैं कि मोदी जी से और मोदी सरकार से उनकी ट्यूनिंग ज़बरदस्त है, क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर उनकी कुंडली की मैं बात करूँ, उससे पहले उदाहरण देना चाहूँगा, मैंने आप सभी ने इनकी एक मूवी सैनिक देखी होगी, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि अक्षय कुमार जो सैनिक के अंदर जो उन्होंने रोल अदा किया था, कहीं ना कहीं वो खुद अक्षय कुमार के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। और अगर आज वो बॉलीवुड में नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो आर्मी में या पुलिस प्रोफेशन में होते, उनकी जाने की इच्छा भी रही होगी इस प्रोफेशन में, अगर उनसे आप बात करेंगे, क्योंकि कुंडली में वृश्चिक लग्न है, लग्न में ही मंगल है। तो वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति जो होते हैं अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठावान होते हैं और अपने देश को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर उनका देश तरक्की करता है तो उस ओर जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसी के साथ जुड़ना पसंद कर देंगे जो पार्टी देश को आगे की ओर ले जा रही है। तो अक्षय कुमार की ना देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, ये समय समय पर दिखती आई है और उन्होंने सिद्ध भी किया है। मंगल के कारण वो खुलकर सामने आ जाते हैं, वो किसी से नहीं डरते कि देखिए मैं तो अपना बिल्कुल न्यूट्रल रहूँगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, जो मेरे अंदर देशभक्ति की भावना है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं लोगों को बताऊँगा। मतलब कोई डिप्लोमेटिक अक्षय कुमार बिल्कुल नहीं है, वो जो जैसे हैं वो वैसे दिखते हैं, तो ये उनकी खासियत है और सच्चे देशभक्त अक्षय कुमार। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने उनकी कुंडली देखी है, कुंडली बनाई भी है, कई चीज़ें देखी उनके ग्रह नक्षत्र किस तरह से इस वक्त अक्षय कुमार के चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आज के माहौल में बॉलीवुड में जहाँ न्यू कमर्स आ रहे हैं, वरुण धवन से लेके आलिया भट्ट, एक से बढ़कर एक, तो वहीं तीनों खान की जहाँ फिल्में इतनी चल नहीं रही हैं, उनका जो सितारा है वो अस्त और का, लेकिन अक्षय कुमार का सितारा बुलंदी पर है। क्या योग है ऐसे कि पिछले कुछ सालों से अक्षय कुमार इतनी, मतलब सडनली इतने ऊपर उभर कर आए? देखिए, अक्षय कुमार के भाग्यस्थान में अगर हम कुंडली के हिसाब से बात करें तो उनके भाग्यस्थान में उच्च के गुरु हैं जो कि उनको भाग्यशाली बनाते हैं और किस्मत के बल पर बहुत आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते भी रहेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 13-14 साल अभी अक्षय कुमार इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम कमाएंगे, काफ़ी बेहतरीन काम करेंगे और आने वाले समय में कुछ गंभीर रोल भी आपको उसमें करते हुए नज़र आएंगे अक्षय कुमार। और जहाँ तक आपने बात करी थी कि क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसा मेरे को मुश्किल लग रहा है क्योंकि अक्षय कुमार की जो शख्सियत है वो अपने आप को किसी एक पार्टी में बंद कर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, समाज सेवा करते हैं, करते रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उनके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से वो आने वाले समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो दर्शकों का मनोरंजन अपनी कलाकारी से ही करेंगे, वो रंगमंच पर रह के अपना आप एक प्लेटफॉर्म, यही उनके लिए बेस्ट रहेगा, अक्षय कुमार भी यही सोचते हैं। तो देशभक्ति उनके अंदर ज़बरदस्त है और एक्टिंग के बलबूते पर अभी वो, मैं मान के चल रहा हूँ कि 12-13 साल तो उनको बहुत बढ़िया काम करना है, शानदार। अभी कुछ ऐसे रोल देखने वाले हैं जिसमें अक्षय कुमार को कोई बड़ा अवार्ड भी मिल सकता है आने वाले सालों में और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे, जो कि उनको चाहते भी हैं वो दिल से। और बहुत बड़ी बड़ी सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी अक्षय कुमार देने वाले हैं, जितना अभी उनका नाम है उससे कहीं गुना दोगुना नाम अभी अक्षय कुमार का बढ़ने वाला है। यानी कि हम ये समझे कि आने वाले 10 साल अक्षय कुमार के लिए गोल्डन पीरियड है, लेकिन सर ये जानना तो बनता है कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस का कॉन्ट्रोवर्सीज से तो हमेशा नाता रहता है, क्या फ्यूचर में किसी कॉन्ट्रोवर्सीज में वो फंस सकते हैं? देखिए, उनको शुक्र की दशा है और शुक्र दशम भाव में बैठा है, सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है या द्वादश भाव का भी कारण है, तो देखिए कोई कंट्रोवर्सी बने हैं फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और अक्षय कुमार बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोलते हैं, तुला राशि है
और भावुक बहुत हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुंडली के हिसाब से आने वाले वर्षों में उनको कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में वो पढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं अक्षय कुमार के साथ होने वाला है। इवन जनता का प्यार उनको और ज़्यादा मिलने वाला है, और ज़्यादा नेम फेम कमाएंगे अक्षय कुमार आने वाले समय में। चलिए, सबसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिनके साथ आज हमने आपके सामने अक्षय कुमार की कुंडली का विश्लेषण किया और जाना कि आने वाले 10 साल खासकर अक्षय कुमार के लिए बहुत गोल्डन पीरियड है उनके लिए, और जो कि उनका गोल्डन पीरियड तो वैसे ही चल रखा है। मिशन मंगल देखे उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, जिसने विद इन 5 डेज में ही 100 क्लब्स में वो शामिल हो गई है। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त, और इसी तरह के एपिसोड्स और इसी तरह की कुंडलियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।